सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड बाहर का इन्वायरमेंट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी सुबह सुबह का टाइम है। और ये हमार जोनी भाग क्यों रहा है? इधर आजा जोन का जोना, आजो बेबी। अरे तो अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी थी एंड मम्मा बोली उठ जा, तो आज है श्राद्ध स्पेशल, क्योंकि आज श्राद्ध का लास्ट डे है। तो मम्मा को बहुत सारा काम था एंड मैं आपको दिखाऊंगी मम्मा ने क्या बनाया है। पहले आप बाहर का इन्वायरमेंट देखो। सो इतना ज़बरदस्त यहाँ का व्यू है, शुद्धर उनकी हालत दिखा दूँ। तो रात तो बारिश नहीं हुई थी, कल रात तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। इन्वायरमेंट कुछ ऐसा मेरे साथ घूम रहा है। जोनी जोनी भागो, आ जाओ। तो आप देख सकते हैं ये दूसरी बार आ गए हैं बेचारे। और ये तो बहुत ज़्यादा आता है, ये एक तो सबसे पहले आता है। सो श्राद्ध का लास्ट डे है, सो आज बनेगा कुछ स्पेशल। एंड श्राद्ध के लास्ट दिन कैसे खाना डाला जाता है, क्या क्या किया जाता है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। उससे पहले इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काका का, तो वो बोल लेगा का, का, का। काका। सो वो वेट कर रही हैं कि कब कुछ बनेगा, कब कुछ खाना लगेगा। तो मम्मी ने बना दिया है। क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। सो मम्मा ने क्या बनाया है, तो मम्मा ने बनाया इनके लिए हलवा एंड आदू। सो मम्मा अभी ना रहे हैं एंड मैं फटाफट रोटियाँ बना देती हूँ इनके लिए। तो जब तक मम्मा ना के आएंगी तब तक मैं रोटियां बना दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये है इनका राजा। सबसे पहले ये आता है और ये यहाँ पे सब कुछ जांच पड़ताल करके जाता है कि खाना लगा है या नहीं लगा। अगर लगा होता है तो अपने दोस्तों को बुला लेता है। सो अब तो मैं आपको दिखा दूँ, ये आज अपने बच्चों को भी लेके आए हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये कितने सारे बैठे हैं और कब से लगे हैं, ये अलग अलग लैंग्वेज निकाल रहे हैं कि कब खाना लगेगा, कब खाना लगेगा। मैंने रोटियां तो बना दी हैं एंड हम सॉरी आज ये लेट हो गए, क्योंकि आज के दिन ऐसे लेट ही होता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कौन कौन श्राद्ध डालता है, किस किस ने 16 दिन श्राद्ध डाला है, और मतलब कैसी वाली फीलिंग होती है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम काफ़ी टाइम पहले से ये सब कर रहे हैं, क्योंकि पहले काफ़ी टाइम पहले पापा ने मम्मी को बताया था कि ऐसे ऐसे करना चाहिए हमें, मतलब अच्छा माना जाता है श्राद्धों में। तो तब से मम्मी कंटिन्यू ऐसे कर रही है काफ़ी सालों से देख रही हूँ मैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं है कि वो फिल्मी स्टाइल में डाल दिया, किसी का देख के डाल दिया। नो, जो सदियों से चला आ रहा है वो ही है, और मैं वो आपको दिखा रही हूँ कि हम कैसे डालते हैं। सो हमें ऐसे रोटियां बनानी होती हैं चार, तो एक जो रोटी होगी वो गाय की, एक कौओं के लिए, एक एक हाँ एक हमारी जोनी की कुत्तों के लिए, और एक हमारे जो बूजे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनके लिए। बस ऐसे ही होता है। तो हलवा बनाया एंड रोटियां, तो ये चार हिस्सों में करनी होती है। सबसे पहले वाली जो रोटी होती है वो डालते हैं जोनी को। का 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 का। सो सबसे पहले वाली रोटी डाल दी जोनी, जोनी खा लो बेबी। एंड आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वाला मेहमान आ चुका है एंड यू कैन सी वो बिल्कुल भी वेट नहीं करने वाला। तो अभी एक इनके लिए है, एक बुज़ुर्गों के लिए है, तो आप देख सकते हैं। सो ये आ चुका है, अभी ये क्या करेगा, हलवा खाएगा।
और इस दिन येलो बनाते हैं, चाहे चावल बना दो चाहे हलवा बना दो, कुछ भी खा रहे। एंड उधर मम्मी गाय को भी दे आई एक रोटी, सो वो देखो आप उसको जाके खिला रहे। देखा आपने, अपनी बेबी को खिला रहे, उधर से जाके और बुला के लेके आएगा। जनी जाओ अभी जाओ, तो वो खाना लेके गए, उसका बच्चा बोल रहे मुझे खिलाओ। तो अभी अपनी बेबीज को खिलाएंगे। देखो आप चोंच में भर भर के लेके जाते हैं ना, अपनी बेबीज को खिलाते हैं। तो वो देखो वो वहाँ पे अपनी बेबी को भी लेके गए हैं। और ये यहाँ पे बैठे हैं सारे। Oh my God, ऐसे खाते हैं। भाग गए। सो इनका खाना पीना कुछ तो हो गया डन एंड कुछ चल रहा है। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। एंड बस वीडियो छोटी है बट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में।